नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं नाइन्थ क्लास का अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट सेवन। प्रॉब्लम सेट सेवन में क्वेश्चन नंबर वन हमारा EMCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर वन में टोटल 10 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन का वन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज नॉट प्राइमरी, मतलब इसमें जो डेटा दिया गया है कौन सा प्राइमरी नहीं है ये बताना है हमें। चलिए ऑप्शन वन में है, बाय विजिटिंग ए सर्टन क्लास गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट। देखिए वहाँ पे जा करके क्या किए हैं, स्टूडेंट के अटेंडेंस को क्या किया, इन्फॉर्मेशन गैदर किया गया, तो ये हमारा प्राइमरी क्लास है। दूसरा, बाय एक्चुअल विजिट टू होम्स टू फाइंड नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, यह भी विजिट किया गया, एक्चुअली विजिट किया गया है, तो यह भी हमारा क्या है, प्राइमरी डेटा है। नेक्स्ट, टू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांटेशन ऑफ सोयाबीन डन बाय ईच फार्मर फ्रॉम द विलेज तलाती, मतलब तलाती गांव के जितने भी विलेजर हैं उन्होंने जो सोयाबीन का प्लांटेशन किया है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो यह इन्फॉर्मेशन हम किससे लेने वाले हैं, फार्मर से लेने वाले हैं, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। नेक्स्ट, रिव्यू द क्लास क्लीनिनेस स्टेटस ऑफ कैनल बाय एक्चुअली विजिटिंग देम, मतलब यहाँ पे भी क्लीनिनेस का जो स्टेटस निकाला गया है वो भी विजिटिंग से निकाला गया है, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी। यह जो पहला हमारा प्राइमरी डेटा है, सेकेंड भी हमारा प्राइमरी डेटा है, थर्ड हमारा सेकेंडरी डेटा है, और फोर्थ जो ऑप्शन डी में वो भी हमारा प्राइमरी डेटा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कौन सा प्राइमरी डेटा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा प्राइमरी डेटा नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है, व्हाट इज़ द अपर क्लास लिमिट फॉर द क्लास 25 to 35। देखिए जो क्लास दिया रहता है उसमें जो पहले नंबर रहता है वो लोअर लिमिट है और जो आगे रहता है वो अपर लिमिट है। तो यहाँ पे पूछा है कि अपर क्लास लिमिट कितना है, तो अपर क्लास लिमिट हमारा क्या रहेगा, 35। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लास मार्क ऑफ क्लास 25 to 35। क्लास मार्क का हमारा फार्मूला होता है, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट यहाँ पे कितनी है, 25, अपर लिमिट कितनी है, 35। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड किए तो हमारा कितना हो जाएगा, 60, एंड दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो सही है, मतलब 25-35 का क्लास मार्क कितना आएगा, 30 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर, इफ द क्लासेस आर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, देन इन विच क्लास शुड बी द ऑब्जर्वेशन 10 बी इंक्लूडेड। देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि 0 to 10 है, तो यहाँ पे हम लोग 0 to 10 नहीं लेंगे, 0 to 9 ही लेंगे। फिर 10 to 20 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 10 to 19 लेंगे। अगला 20 to 30 है, तो 20 to 29 इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे बोलना है जो ऑब्जर्वेशन 10 है वो किस में होगा, तो ऑब्जर्वेशन जो 10 होगा वह सेकेंड क्लास में होगा, जो है हमारा 10 to 20। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा है, इफ़ यक्स बार इज द मीन ऑफ द x1, x2, xn एंड वाई बार इज द मीन ऑफ y1, y2, yn, देन जेड बार इज द मीन ऑफ x1, x2, xn, y1, y2, yn, देन यक्स बार हमें फाइंड करना है। तो यक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x1 + x bar + y bar / 2, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर फाइव ही हमारा कंप्लीट होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा है, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 50 आउट ऑफ विच मीन ऑफ 4 नंबर्स इज 46, फाइंड द 5th नंबर। देखिए पहले क्या करते हैं, हम जो 5 नंबर हैं उन 5 नंबर का सम निकालते हैं, मीन दिया है कितना, 50, तो टोटल क्या हो जाएगा, सम ऑफ द 5 नंबर इज इक्वल टू 5 × 50 = 250 हो जाएगा। उसी तरह और जो 4 नंबर हैं उनका मीन कितना दिया है, 46, तो उसका टोटल निकालेंगे, सम ऑफ द 4 नंबर इज इक्वल टू 4 × 46, इट विल बी 184। अब देखिए 5 नंबर का सम कितना होता है, 250, और 4 नंबर्स के सम कितने होते हैं, 184, माइनस कर देते हैं, 250 - 184 = 66। यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं डी जो हमारा सही है। इस तरह हमने जो 5th नंबर है वह निकाल लिया, वह कितना आया, 66 आया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40
मतलब टोटल 100 ऑब्जर्वेशन जिनका मीन दिया है, तो सम कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। द नाइन्थ ऑब्जर्वेशन इज 30, इफ दिस इज रिप्लेस बाय 70 कीपिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन सेम फाइंड द न्यू मीन। देखिए यहाँ पे नंबर तो बढ़े नहीं है, टोटल कितने नंबर रहेंगे, 40, टोटल 100 नंबर्स ही रहेंगे, बट उसमें गलती से 30 हो गया जहाँ 70 होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर निकालेंगे, टोटल नंबर हमने निकाला है 4000 में 30 को हमें रिप्लेस करना है किसके जगह, 70, तो 30 को रिमूव करना पड़ेगा, माइनस 30 करते हैं उसमें से और 70 से क्या करते हैं उसको ऐड कर देते हैं। तो 4000 माइनस 70 डिवाइड बाई और 4000 माइनस 30 प्लस 70, तो हम यहाँ पे 70 ऐड कर देंगे और 30 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 4040। अब 4040 का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, टोटल कितने नंबर हैं, 100 नंबर हैं, तो 4040 को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 40.40, मतलब 40.4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो सही रहेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, व्हाट इज द मोड ऑफ 19, 19, 15, 20, 25, 15, 20 एंड 15। यहाँ पे देखिए मोड क्या होता है, जिस नंबर की रिपीटेशन बार बार हो मैक्सिमम टाइम से, वही क्या होता है हमारा मोड होता है। तो यहाँ पे 15 है जिसकी रिपीटेशन कितनी बार हुई है, 3 टाइम हुई है, सो मोड इज इक्वल टू कितना हो गया, 15। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ 7, 10, 7, 5, 9, 10। यहाँ पे टोटल कितने नंबर है, 6 नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 नंबर रहते हैं, इवन नंबर रहते हैं, तो हमें वहाँ पे जो 4 है और 3 है, इन दो नंबर को क्या करना पड़ता है, ऐड करके हाफ करना पड़ता है। तो हम पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद 3rd एंड 4th पे जो नंबर आएगा हम उसको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। 3rd नंबर पे हमारा आएगा 7 और 4th नंबर पे क्या हमारा आएगा, 9। 7 और 9 को ऐड करते हैं, 7 और 9 को ऐड किया तो हमारा कितना हो जाएगा, 16, और 16 का हाफ कर देंगे कितना हो जाएगा, 8। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप फॉर द क्लास 30 to 40। लेस देन टाइप कैसे हम बनाते हैं, ऊपर से हमें ऐड करना रहता है, पहले हमें 0, 10 का अगर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 7 ही रहेगा, और 10 to 20 का निकालते हैं तो 7 + 3 इट विल बी 10, और 20 to 30 का कितना 10 वहाँ पे था प्लस 12 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 22, और लास्ट अगला क्लास हमारा है 30 to 40, उसमें 13 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 22 + 30 कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे पूछा है कि 30 to 45 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, तो कितना आ गया हमारा 35। इस समय ऑप्शन नंबर हमारा दिया है सी जो सही है। इस तरह 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 10 क्वेश्चन जो MCQ क्वेश्चन थे सारे के सारे कंप्लीट कर लिए, आप इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक करने वाले हैं, हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।